ये यौम इफ्तार जिसको ईद उल फितर कहा जाता है, ये सजदाए शुक्र है अल्लाह के हुजूर के मालिक, तूने हमें हिदायत अता की, तूने हमें तौफीक अता की, और तेरी तौफीक के बग़ैर सख्त गर्मी के ये रोज़े हम ना रख पाते, तेरी तौफीक के बग़ैर फाके ना काट पाते, ये तेरे ही करम से, तेरी ही दी हुई तौफीक से हमें सब्र नसीब हुआ। असौमो निसफ सब्र, रोज़ा आधा सब्र है। तो जिसने तौफीक दी, अब उसी का शुक्रिया अदा करने के लिए हम खुले मैदान में, हम मरकज़ में, हम मस्जिद में, हम मुख्तलिफ जगहों पर जमा होते हैं और जमा होकर इस बात का ऐलान करते हैं, मालिक मेरी तौफीक भी तेरे करम का सदका, ये कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं। तूने तौफीक दी तो रोज़े रखे गए, तूने तौफीक दी तो गिनती के दिन पूरे हुए, तूने तौफीक दी तो मालिक तेरे ही हुजूर हाजिर हुए, और ये तेरा ही करम है और तेरी ही करम नवाजियों के रंग हैं। हज़रत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के फरमाया, ए मुआज वल्लाह इन्नी लाउहिब्बो का, अल्लाह की कसम मैं तुझसे प्यार करता हूँ। फिर दोबारा फरमाया, वल्लाह इन्नी लाउहिब्बो का, ए मुआज मैं अल्लाह की कसम तुमसे प्यार करता हूँ। और उस प्यार की वजह से हुजूर ने हज़रत मुआज बिन जबल को बताया, क्या मैं तुझको वसीयत करता हूँ कि हर नमाज के बाद इन कलमों को जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इनको तर्क नहीं करना, इसको भूलना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है। और वो क्या, अल्लाहुम्मा आइनी अला ज़िक्रे का व शुक्रे का व हुस्न इबादतिक, ए अल्लाह मुझे तौफीक दे अपनी इबादत की, मुझे तौफीक दे अपने ज़िक्र की, मुझे तौफीक दे अपना शुक्र अदा करने की। तो अल्लाह का शुक्र अदा करने की उससे तौफीक मांगी, मालिक नेमत भी तू दे और उस नेमत पर शुक्राने की तौफीक भी तू अता कर। और अल्लाह फरमाते मेरी दी हुई नेमत पर मेरा जब तुम शुक्र अदा करोगे मेरी दी हुई तौफीक के साथ, तो मैं तुमसे अहद करता हूँ, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। अल्लाह अकबर, शुक्रिये से नेमत में इजाफा होता है, नेमत में बरकत होती है। एक दूसरे मुकाम पर कितनी खूबसूरत बात इरशाद की, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह फरमाता है कि वह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा अगर तुम शुक्रिया अदा करो और ईमान लाओ। अल्लाह की चाहत नहीं है कि तुझे जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाले, जो आग तुम्हारी हड्डियां तोड़ के रख दे, तुम्हारा गोश्त जला के रख दे और तुम वहां जिल्लत सहो, ये तुम्हारे रब की मंशा नहीं है। वो ये चाहता है कि तुम्हें जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। ये तुम्हारा अमल है कि तुम अजाबों को खरीद रहे हो, तुम अजाबों में छलांगे लगा रहे हो। उसकी मर्जी क्या है, उसकी रजा क्या है कि तुम शुक्र अदा करो और उस पर ईमान लाओ, तो वो तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर दे, तुम्हारे दर्जे भी बुलंद फरमा दे। बल्कि एक दूसरे मौके पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि तुम जहन्नम के घड़े में गिरने वाले थे, एक जुम्बशे पा की देर थी कि तुम ईंधन बन जाते। कहा कि मेरी नेमत का शुक्र अदा करो कि जिस नेमत ने, उस नेमत से मुराद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें जहन्नम से निकाल के जन्नत की राहों पर डाल दिया। तो हमारा रब हमें बख्शना चाहता है, हमारा रब हमारी मगफरत करना चाहता है, हमारे गुनाहों को माफ़ करना चाहता है। रहमत रब बहाना मीजोएत, उसकी रहमतें बहाना तलाश करती हैं और बंदों को बख्शना उसे बड़ा पसंद है। तो वो कितना करीम है, कितना करीम है, कितना करम फरमाने वाला है, कितना रहीम है बंदों पर। जब बंदे ईदगाह की तरफ आ रहे होते हैं और चीख चीख के कह रहे होते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि क्या मजदूरी दी जाए उस मजदूर को जो काम पूरा करे। तो वो कहते हैं मालिक अजर तो पूरा ही मिलना चाहिए। तो फरमाया ये चीख चीख के जो मुझे पुकारते हुए आ रहे हैं, मैंने इनको बख्श दिया। और वो चीख चीख के क्या कहते हुए आ रहे हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर
अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।